हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको विमल जो गुटखा है उसका होलसेल रेट, रिटेल रेट और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आज के समय में अगर आपको बिजनेस करना है ना और आप बिल्कुल मार्केट में नए हो, आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है, तो बीड़ी तंबाकू जो आइटम हैं इनसे अच्छा कोई आइटम नहीं है जिससे आप मार्केट में बहुत जल्दी पकड़ बना सकते हो। एक बार मार्केट में पकड़ बनाने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट ले जा सकते हो। इनसे क्या है, आपका दुकान पे चढ़ने का रास्ता बनता है, क्योंकि ये हर दुकान पे बिकते हैं, हर जगह बिकते हैं। कहीं ये विमल बिकेगा तो कहीं कुछ और बिकेगा, मतलब बिकेगा जरूर, बीड़ी तंबाकू जरूर बिकते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है और आप मार्केट में नए हो तो आंख बंद करो और ये ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से लेके आओ और उन्हें सप्लाई करो। दोस्तों अगर आप इनको होलसेल में खरीद के मार्केट में सप्लाई करोगे, पहली बात तो इनमें मार्जिन कम होता है, पर क्या है, जब आप इन्हें मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दोगे ये क्वांटिटी में सेल होते हैं। जब क्वांटिटी में सेल होंगे तो आपका मार्जिन अपने आप निकल जाता है, जो आपका खर्चा है वो निकल जाता है। पर उससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी एक मार्केट बन जाएगी, मार्केट में लोग आपको जानने लगेंगे कि आप ये प्रोडक्ट बेचते हो, आप मार्केट में आते हो। तो उसके बाद इनके साथ आप कुछ भी एड ऑन करके मार्केट में लेके जाओगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। आज मैं आपको विमल के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अब हम किरियाना आइटम्स को लेके पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि जितने भी किरियाना आइटम्स हैं उनका लेटेस्ट में क्या रेट चल रहा है, उनमें क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है और किस रेट में बिकते हैं, सब आपको पता चलेगा। अभी ये टॉफी सीरीज चल रही है, 3:15 बजे आपको डेली टॉफी सीरीज की वीडियो मिलेगी, वो खत्म होने के बाद आपको किरियाना आइटम्स की सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, ये आपके बहुत काम की सीरीज है। तो दोस्तों मैं आज आपको विमल के बारे में बता देता हूँ। जो ये विमल है ये आपको एक बोरा मार्केट से लेना है, ठीक है। एक बोरे के अंदर 4 कट्टे आते हैं, जो एक बोरा है वो 25,200 रुपये का आता है, एजेंसी रेट है ये, ठीक है। इसके लिए आपको किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, अपने नियर में सर्च करो, हर जगह इसके सप्लायर है, आपको आपके नियर में ही मिल जाएंगे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। वो आप होलसेलरों से, दुकानदारों से पता करोगे तो मिल जाएगा, कोई आपको बताएगा तो कोई नहीं बताएगा, आपको बहुत सारे बंदों से पूछना है, कोई ना कोई आपको बता देगा। सबसे बड़ी बात, आप किसी सेल्समैन से पूछो किसी भी प्रोडक्ट के, वो आपको कोई ना कोई लिंक के थ्रू बता देगा। तो दोस्तों ये तरीका होता है, आप किसी से, अगर आप बैठे हो यूपी में, आप दिल्ली से मंगाओगे तो कोई सस्ता नहीं मिलने वाला आपको, जो एजेंसी रेट वहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो वहाँ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस। उसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ से मंगवाओगे तो वो ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाएगा और कुछ नहीं होता है। आपको जो इसका बोरा है, एक बोरे के अंदर 4 कट्टे आते हैं, एक कट्टे के अंदर 52 पीस होते हैं, जो बोरा है वो 25,200 का मिलता है और जो एक कट्टा है वो 6,300 रुपये का मिलता है। दोस्तों पहले इस पे एक स्कीम आती थी 7 पाउच की, वो स्कीम अब बंद हो गई है। अब आपको जो मिलते हैं 6,300 रुपये में 52 पीस मिलते हैं एक कट्टे के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ क्या उसकी कॉस्टिंग होने वाली है, 6,300 भाग में 52, 121 रुपये 15 पैसे का आपको एक पैकेट पड़ता है, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता आपके वहाँ क्या रेट बिकता है, हमारे यहाँ ये 127 रुपये का बिकता है। अगर कोई इसके 5 पीस लेता है तो 125 का दिया जाता है, जो 1-2 पैकेट लेता है इस तरीके के तो उसको 127 रुपये में दिया जाता है। अब आपके वहाँ क्या बिकता है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको 125 के हिसाब से बता देता हूँ, बाकी अगर 127 में बिके तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है, पर मिनिमम 125 ही बिकता है। अब जो आपको 121 रुपये 15 पैसे पड़े, 125 का अगर आपका बिका तो 3 रुपये 84 पैसे हो गए। अब आपके एक उसके अंदर 52 पीस है तो 200 रुपये का आपका एक कट्टा हो गया, और आपका जो एक बोरा है उसमें आपको 800 रुपये का मार्जिन हो गया, मतलब एक बोरा बेचकर आप 800 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो सिर्फ विमल विमल से। और आप जितने भी बोरे बेचोगे, दोस्तों ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि नहीं बिकेंगे, ये जितनी ज़्यादा मार्केट में आप फैलते जाओगे, जितनी दूर अपनी मार्केट करते जाओगे, जितनी ज़्यादा दुकानें करते जाओगे, उतना माल आपका बिकेगा। आपका माल पहले 10 दिन बिल्कुल नहीं बिकेगा, मतलब जब आप अगर लेके जाओगे तो 50 दुकानों पे जाओगे तो सिर्फ 10 ही दुकानों पे आपका पहले 10 दिन माल बिकेगा, सिर्फ 10 दुकानों पे।
पर उसके बाद जब आप रेगुलर रहोगे तो आपका जो 10 दुकानों पे माल बिक रहा था वो 50 में से 40 दुकानों पे बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार को पता चल जाएगा ये बंदा इस दिन रेगुलर आता है तो वो आपसे माल लेना शुरू कर देगा। मार्केट में बेचने का सिर्फ यही तरीका है कि अगर आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है तो मार्केट में रेगुलर जाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब आप देखो 800 रुपए एक बोरा, मैं ये नहीं कहता कि आप कितने बोरे बेचो, जितने भी आप बोरे बेचो एक बोरा अगर बेचोगे तो 800 रुपए कमाओगे। अब महीने में चाहे एक बोरी बेच लो, चाहे पांच बेच लो, जितनी मर्जी चाहे 10 बेच लो, जो आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप बेच सकते हो। और ये नहीं है कि आप सिर्फ विमल ही लेके जाओगे, आपको इसके साथ सारे आइटम लेके जाने हैं, सिगरेट हो गई, बहुत सारे आइटम हैं, मैं उनकी सारी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो पूरी एक सीरीज मिलेगी तो आप उसको जरूर देखना। तो दोस्तों आपको विमल का पता चल गया, अगर आपको विमल का बिजनेस करना है तो जो एजेंसी रेट है वो ये है। अगर आप किसी होलसेलर से लेते हो, मान लो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बोरे के पैसे नहीं है, अगर आप कट्टा ही लेते हो तो आपको 6325 रुपये का मिलेगा, अगर आप बोरा लेते हो तो 6300 रुपये के हिसाब से मिलेगा, अगर सिर्फ कट्टा लेते हो तो 6325 रुपये का, तो वही 25 रुपये आपके कम हो जाएंगे, वो अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हो, ज़्यादा में लेते हो तो आपको ज़्यादा मार्जिन होगा। तो दोस्तों यही सिस्टम है पूरी मार्केट का, अगर जितना माल आप ज़्यादा क्वांटिटी में उठाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।